हमने आज विस्ट्री गुड्स में एक कल्चरल हब का शुरुआत की है जिसका नाम है फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेदा जो नाम रखा है हमने, वो हमारे चार वेदों के बाद एक पांचवा वेदा आता है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, ड्रामा, स्पीच, पेंटिंग्स और सभी किस्म की कलाएं जो हैं उसमें उभारी जाती हैं। तो हमने ये जो अभियान चलाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो विस्लिंग बुक्स के पढ़ें तो उनमें ये आर्टिस्टिक टेम्परमेंट और आर्टिस्टिक टेस्ट भी बढ़ना चाहिए। खाली किताबों से या नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाना है, भले वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्टिक टेम्परमेंट उसमें बढ़ना चाहिए। और दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ विनर एंड एक्सेल इन हिज आर्ट टेक्निक और वट एवर द फॉर्म ही इज गोइंग टू डू दैट। सो इस अवसर पर हमने उचित समझा कि क्यों ना एक ऐसे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाए जो कि इन कलाओं को एक वाकई ही पूजा समझती हैं और उनकी वर्शिप करती हैं, और वो हैं हमारी कला की बेटी विद्या बालन। मैं लिखाऊँ और विद्या जी जो आई हैं, एक मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शुरुआत आपके हाथों से हुई कि फिफ्थ वेदा की, क्योंकि फिफ्थ वेदा एक प्योर आर्ट की बात है जिसमें कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल ड्रामा है, क्लासिकल पेंटिंग्स हैं, वो सब का उभार आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम हर वीक चलेगा और हर वीक में कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपस में एक दूसरे से डायलॉग और वार्तालाप भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक एक बड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा उनके लिए, और एक जो आज हम लोग क्लासिकल म्यूजिक खो चुके हैं या क्लासिकल बातें खो चुके हैं, स्टोरी टेलिंग खो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज संजीला बंसाली भी आए हैं अपनी मास्टर क्लास लेने के लिए रामलीला की फिल्म लेकर, और पीयूष शाह जी हैं हमारे डायरेक्टर आए हैं, सुखविंदर जी आए हैं, उसी उन्होंने बहुत अच्छा आपके सामने गाना गाया। और अब तो विद्या जी से मैं बात कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिफ्थ वेदा के बारे में क्या रहा। एक्चुअली जब मेघना जो सुभाष जी की बेटी हैं उन्होंने मुझे एक कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप फिफ्थ वेदा इनॉग्यूरेट करें, तो मैं थोड़ी सी इंट्रीग थी कि ये फिफ्थ वेदा है क्या। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक कल्चरल हब है जहां हम स्टूडेंट्स को कल्चर से, कल्चर के हर पहलू से, म्यूजिक से, डांस से, अलग अलग प्रांतों के कल्चर से एक तरह से वाकिफ कराएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज फिल्म स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और एज आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर से वाकिफ हों, उसको समझें, क्योंकि दैट एनरिचेज आवर वर्क। आर्ट आफ्टर ऑल इज इन अ सेंस एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। Of course, it is personality, its beliefs, its thoughts, but it's also an interpretation of culture and your cultural experiences. So, जैसे college में मैं Xavier's में पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ एक Indian music group IMG होता है, जहाँ पे concerts regularly होते हैं, हर महीने होते हैं, फिर साल में एक बड़ा program होता है। तो classical music से, अब मैं Carnatic music से वाकिफ थी because मैं साउथ से हूँ, मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, पर आई बिन ब्रॉट अप ऑन कर्नाटक म्यूजिक, पर हिंदुस्तानी म्यूजिक को मैं समझने लगी, अप्रिशिएट करने लगी थ्रू IMG। सो आई थिंक एंड जैसे इश्किया फिल्म में मुझे तानपुरा प्ले करना था और एक क्लासिकल गाना है बड़ी धीरे जली, वो परफॉर्म करना था जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है, और because I was exposed to Hindustani music, because I appreciated that, I enjoyed performing that. और एक personalize आप तभी कर पाते हैं। Of course, it's not possible to have all you know experiences all at once, but at least यहाँ वो exposure मिलता है students को, which I think is very important. अच्छा विद्या, इतनी देरी कि सुभाष जी के यहाँ पे आए हैं, बाकी तो हम लोग बातें पढ़ेंगे तो
मैं कह रहा था कि अब थोड़ा खेल क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, हम सभी शायद कोई ना कोई चाहता होगा कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आई एम ऑनेस्टली नॉट अ क्रिकेट फैन. जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ, अदरवाइज नॉट रियली. इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा है कि विद्या बालन से स्पेशली विशेष चाहिए. हाय 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 हाय. ऐसा कर दीजिए. इंडियन क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट.